तो हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू, जो कि है वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट स्टैचू। अभी जाने वाले अंदर, फिर स्टैचू देखकर यहाँ पे ही कुछ सफारी है, वो सफारी भी करेंगे। ये है गुजरात का पार्ट 6 व्लॉग, चलिए देखते हैं अंदर। अभी जा रहे हैं अंदर। तो मम्मी कैसे फीलिंग आ रही है अंदर? अभी स्टैचू देखने जा रहे हो, लार्जेस्ट टॉलेस्ट स्टैचू। हाय, ये तो एंटर करने से अच्छा लग रहा है, चलो जाएंगे अंदर, कैसे लगेगा। हम अभी जा रहे, लगता है बस चढ़ना पड़ेगा, देखते हैं अंदर जाने के बाद। गोल 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 गोल, गोल। हाँ बस चढ़ना पड़ेगा। अरे भैया टाइम नहीं है, जल्दी चलो। दिख रहा होगा बड़ा स्टैचू, फोन में छोटा दिख रहा होगा नहीं मालूम, पर असलियत में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक पैर का एक उंगली के जितना भी नहीं होंगे, उतना बड़ा स्टैचू है। आगे अभी स्टैचू के पास ये है स्टैचू। ये वहां पे एंट्री है। नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे ना खाना भी है, यहाँ पे चेकिंग। स्टैचू तक जाने तक इसे कवरिंग होता ऊपर। मिलते थोड़ा आगे जाने के बाद। अभी फिर से जा रहे अंदर ही। स्टैचू ऑफ यूनिटी। फाउंटेन अच्छा है, व्यू कितना अच्छा है, नीचे पूरा पानी है, वहां पे स्टेप्स जैसे बनाकर पूरा पत्थरों से बनाए, पूरा वहाँ पे डिजाइन बहुत अच्छा है। चलिए आगे जाते हैं, पूरा अच्छा है। अभी तक तो ओवरऑल अच्छा है, पर स्वेटिंग आ रहा है। फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मस्ट विजिट प्लेस है ये। अभी ये बाहर अंदर तक जा रहे हैं ना, गर्म है, पर अंदर पूरा एयरपोर्ट जैसा होगा बोल रहे पापा, क्योंकि ये पापा का सेकेंड टाइम है अंदर जा रहे। अंदर पूरा एसी से अच्छा ठंडा लग रहा है बोल रहे, देखेंगे। अभी पूरा पैर तक जा सकते हैं, पैर से लिफ्ट होता है पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेस्ट तक, चेस्ट से पूरा वो पानी उस तरफ जो दिखाया आपको अभी,
वो आता है, फिर उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट भी देख सकते हैं, अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देख सकते हैं, पूरा अच्छा होता है। चलिए देखते हैं। एक्सीलेटर ख़त्म हो गया है, टोटल 3 एक्सीलेटर्स हैं, अभी वो ऊपर जाएंगे। सब लोग कैमरा ला रहे हैं, एक्चुअली मैं भी मेरा कैमरा लाया पर कार में भूल गया, वही मुझे दुख लग रहा है क्योंकि कैमरा से जितना अच्छा फोटो आता है फ़ोन में आता है, पर कैमरा द बेस्ट है। चलिए देखते हैं अंदर। यहाँ पे पानी भी फिल कर सकते हैं, दिखाता हूँ आपको, ऑटोमेटिक है, ऐसे रख के ऑटोमेटिक आता है, चिल्ड है पानी, पानी फिल। देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये एंट्री है, सच में यार ठंडा है पूरा अंदर। ये टाइप ऑफ मॉल, मॉल नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे अंदर पूरा। जिनको हिंदी पढ़ना आता है पढ़ लो भाई, उनका हेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये ब्रॉन्ज का ही है, ब्रॉन्ज पीतल एक ही है। वो लुक देखिए गाइस, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। हम ये स्टैचू क्रॉस करने तक नीचे सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन दबा दीजिए जाके, फिर से चेकिंग है, फिर अंदर जा सकते हैं। अभी फिर से क्यों है अंदर? बाहर आ गए लिफ्ट चढ़कर, नीचे जो स्टैचू क्यू में थे वो लिफ्ट चढ़े हम, अभी लिफ्ट से बाहर आ गए। ओ भाई कितना अच्छा है, पता हूँ कितना नीचे आया, कितना ऊपर आया, सॉरी बाप रे नहीं दिख रहा, बाहर से ही दिखा। या अभी जो है हम जिस फ्लोर में, जस्ट चेस्ट तक है, चेस्ट से ऊपर अलाउ नहीं है, पर टर्न बकेल से जो स्टिक से वो बॉडी है कॉपर का स्ट्रक्चर, अभी देख सकते हैं नीचे है हम, सर कितना ऊपर है हम, पूरा ऊपर है हम। आप जैसा कि देख सकते हो वहाँ जो है बसेस, वहाँ से चल चल कर आए, तो अभी आप देख सकते हो कितना पूरा बहुत ही ऊँचे से वो जो है बसेस वहाँ से चल चल कर आए, वो वहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर सफ़र है पूरा आए थे। चलिए पूछते हैं मेरे मम्मी पापा से कैसे लग रहा है। बोली तो अभी कैसे लगा अंदर घूमकर? बहुत अच्छा लगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी 186 meters, द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, अच्छा लगा। आप फर्स्ट टाइम आई हो, कैसे लगा आपको ये इतना ऊपर से सर घूम रहा है, पूरा अच्छा है? चलिए जाते अंदर। अंदर एंटर होते कि चिल्ड लगता है, हो गए एंटर, बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, कुछ भी। और भी ऊपर दिखाता हूँ, अभी हम हैं चेस्ट के पास, वो ऊपर वो है पूरा हेड। अभी फिर से व्यूइंग गैलरी को जाते हैं लिफ्ट में, लिफ्ट में, लिफ्ट से बाहर आने के बाद फिर से मिलता हूँ। सन ऑफ द सॉइल, देखिए गाइस कितने सारे बुक्स हैं, अभी जैसे आप पकड़ेंगे वो नहीं आएंगे। अरे अरे देखा गाइस, क्योंकि प्रिंट है, 3D प्रिंटिंग। पैर के पास जा रहे हैं अभी, पैर के पास आगे, चल चल के जाना पड़ेगा अब स्टेप्स में पूरा। भाई साहब अच्छा लिफ्ट है,
एक्सीलेटर है, चलो एक्सीलेटर में जाते, आने के समय स्टेप्स में आते, फिटनेस भी थोड़ा होना ना स्टेप्स में आते आने के समय। मैं सोचा मैं एक पैर का एक अंगूठी के जितना होऊंगा, पर उतना भी नहीं हूँ, और भी नीचे हूँ मैं। चलिए दिखाता हूँ आपको, देखिए गाइस, वो फिंगर है, पीतल का है गाइस। गाइस देखिए कितना बड़ा है। चलिए गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी समय बाद, अभी तो हो गया है स्टैचू का दर्शन, पूरा अच्छे से घूम लिया स्टैचू। चलिए अभी जा रहे हैं हम अभी एयरपोर्ट, हमारा फ्लाइट है 5:20 को।